आज के उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में उपस्थित उत्तर प्रदेश विधायक दल के नवनिर्वाचित नेता श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, संगठनात्मक नेतृत्व में, ऐसे हमारे भाई स्वतंत्र देव जी, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जिनको चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी थी, ऐसे देश के शिक्षा मंत्री भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, मेरे साथ सह पर्यवेक्षक श्रीमान रघुवर दास जी, उत्तर प्रदेश के संगठन के प्रभारी राधामोहन सिंह जी, उत्तर प्रदेश के दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी, दिनेश मौर्य जी, दिनेश शर्मा जी, हमारे संगठन मंत्री सुनील बंसल जी, भाई सुरेश खन्ना जी, आशीष सिंह जी, संजय निषाद जी, और आज इस बैठक में यहाँ पर उपस्थित सभी विधायक दल के सदस्य भाइयों और बहनों, आज हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक नया इतिहास लिखने का क्षण इसी सभागार के अंदर हो रहा है। 35 सालों से कभी भी एक पार्टी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने दोनों बार दो तिहाई से ज्यादा बहुमत के साथ जनता का समर्थन हासिल किया। उत्तर प्रदेश की स्थापना से लेकर अब तक कोई भी मुख्यमंत्री अपने शासन के आधार पर फिर से एक बार जनादेश लेकर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। कारण क्या होगा इसकी मीमांसा में जाने का दिन नहीं है, परंतु हम सब के लिए आनंद का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में चुनने का काम किया। ठीक है, आज हम सब मिलकर योगी जी को निर्विरोध विधायक दल के नेता के रूप में आप सबने चुना है, परंतु चुनाव की शुरुआत से, जब से सदस्यता अभियान चालू हुआ तब से मैं ही आया था, पार्टी ने घोषणा की थी कि योगी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद जनता ने फिर से एक बार दो तिहाई से ज्यादा बहुमत से हमें जिताया है और योगी जी को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाया। मित्रों, उत्तर प्रदेश एक प्रकार से कई सालों से अस्थिरता का केंद्र रहा, राजनीतिक अस्थिरता का केंद्र रहा। आजादी के शुरुआती समय के बाद यहां पर धीरे 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 मूल्यों का भी क्षरण हुआ और राजनीतिक विचारधाराओं का भी क्षरण होता गया, और परिणाम स्वरूप जातिवादी और परिवारवादी पार्टियां उत्तर प्रदेश में पनपती गई, पलती गई, बढ़ती गई, और उसी के कारण एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बहुत लंबे समय से 2014 तक चला। 2014 के आम चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होंगे, और उस
घोषणा के साथ ही समग्र देश के अंदर एक चेतना जागृत हुई थी, समग्र देश के अंदर एक खुशी और आशा की लहर दौड़ गई थी। मैं उस वक्त उत्तर प्रदेश का प्रभारी था, मुझे ठीक याद है ये घोषणा के साथ ही उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के अंदर भी एक खुशी की लहर। मैं जब प्रभारी बना तब ये घोषणा नहीं हुई थी, घोषणा के बाद आम कार्यकर्ता भी बोलने लगा था कि इस बार 65 के पार सीटें जीतेंगे। और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव अभियान चला, 2014 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने भोले शंकर की तरह कृपा कर 73 सीटों के साथ जिताने का काम। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में एक विश्वास जगा कि अगर 14 के चुनाव में 73 सीटें जीत सकते हैं तो 17 में 300 पार भी कर सकते हैं। और मोदी जी की सरकार 14 से 17 चली, यही योजनाएं थी जो योगी जी ने जमीन पर उतारी। मगर उस वक्त जो शासन था समाजवादी पार्टी का, उसने ये योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए कोई परिश्रम नहीं करा। ये योजनाएं जातिवाद के कारण हर व्यक्ति पर तक नहीं पहुंची, ये योजनाएं भ्रष्टाचार के कारण जमीन पर नहीं पहुंची, ये योजनाएं एडमिनिस्ट्रेशन के राजनीतिकरण के कारण जमीन पर नहीं पहुंची, और ये योजनाएं राजनीति के अपराधीकरण के कारण भी जमीन पर नहीं पहुंची। हमने इसको मुद्दा बनाया। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के एक एक मतदाता के घर में गया और उन्होंने कहा कि मोदी जी पर भरोसा करिए, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करिए, हम उत्तर प्रदेश को देश का नंबर वन सूबा बनाएंगे, पहले नंबर का प्रदेश। और मित्रों, परिणाम आया कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 300 पार का मैंडेट उत्तर प्रदेश की जनता ने लिया। उत्तर प्रदेश में बहुत समय के बाद किसी पार्टी को 300 पार का मैंडेट मिला। और फिर पार्टी ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। ढेर सारी चुनौतियां थी, बिखरा हुआ अर्थतंत्र था, छिन्न विछिन्न प्रशासनिक ढांचा था। जैसे पहले मैंने कहा, पूरे प्रशासन का राजनीतिकरण हो चुका था और राजनीति का अपराधीकरण हो चुका था। कानून और व्यवस्था की स्थिति में कोई ठोर ठिकाना नहीं था। औद्योगिक निवेश के लिए जो सम्मेलन मुख्यमंत्री करते थे वो दिल्ली में करने पड़ते थे, क्योंकि उद्योगपति लखनऊ सम्मेलन में आने के लिए भी तैयार नहीं होते। इस प्रकार की राजनीतिक स्थिति थी। गरीबों को लोकतंत्र के अंदर श्रद्धा ही नहीं बची थी, उनको जातिवाद ने, एक प्रकार से जातिवाद के नासूर ने इनकी आशाओं को खत्म, परिवारवाद के नासूर ने इनकी लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा को क्षत विक्षत कर दिया था। और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने शासन की बागडोर संभाली और मैं आज ये बात आप सबके कहने आया हूं कि 2017 से लेकर 2022 तक जो यात्रा चली, बीच में 19 में भी हमने 65 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ एक बार विजय प्राप्त की और अंत में 22 में दो फिर से एक बार दो तिहाई बहुमत से जीते।
भारत की राजनीति का, भारत के लोकतांत्रिक चुनाव का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तब पंडितों ने इस बात की मीमांसा, इस बात की समीक्षा जरूर करनी पड़ेगी कि क्या हुआ 2017 से 2022 के बीच में, क्या हुआ कि इतना प्रचंड जनादेश फिर से एक बार मिला। मित्रों, सबसे बड़ा काम योगी सरकार ने किया तो मैंने जो कहा, प्रशासन के राजनीतिकरण को उन्होंने समाप्त कर दिया। प्रशासन संविधान के आधार पर, प्रशासन कैबिनेट के निर्णयों के आधार पर चलने लगा, कोई जाति विशेष के लिए प्रशासन काम नहीं है। और राजनीति का अपराधीकरण बंद हो गया। माफिया, गुंडे पुलिस प्रशासन के मालिक बनकर बैठे थे, उसको शीर्षासन कराने का काम योगी सरकार ने किया और पूरे उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करने का काम। गरीब आदमी के मन में भी एक आशा जगी कि मैं जाकर थानेदार को मेरी रपट लिखाऊंगा तो वो एफआईआर में बदल जाएगी। एक छोटी सी बच्ची को भी ये विश्वास जगा कि किसी की हिम्मत नहीं है मेरे साथ छेड़खानी करने की, अगर मैंने फरियाद कर दी तो जेल की सलाखों के पीछे। और वो विश्वास जागने के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर एक बदलाव की राजनीति शुरू हुई। मोदी जी ने जो सूत्र दिया था, सबका साथ सबका विकास, वो सूत्र पर भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार चली और योगी आदित्यनाथ ने वो सूत्र को जमीन पर उतारने का काम किया। ढेर सारी योजनाएं हमने किसी की जाति नहीं पूछी, हमने किसी का धर्म नहीं पूछा। जिसको घर मिलना था उसको घर मिला, जिसको गैस मिलना था उसको गैस मिला, जिसके घर में बिजली पहुंचनी थी वो 1,42,00,000 लोगों के घर में बिजली भी पहुंच गई। जिनको आयुष्मान भारत योजना का कार्ड मिलना था उसको आयुष्मान भारत योजना का कार्ड जाति और धर्म पूछे बगैर मिला। शौचालय घर में बन गया और मुफ्त में अनाज देने की योजना भी उसके घर तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और ये जो बदलाव आया वो उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत करने वाला है। आज मैं सारे विधायक यहां बैठे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, मित्रों, हम सब सोचते हैं, कई बार मैं भी चुना हुआ प्रतिनिधि रहा हूं, 5 बार विधायक चुनकर आया हूं, 1 बार राज्यसभा सांसद, 1 बार लोकसभा सांसद, हम सबको लगता है कि हमारी लोकप्रियता से हम जीत कर आए हैं। मैं सभी को कहता हूं कि पार्टी सबसे ऊपर होती है और पार्टी की नीतियां ही पार्टी के लिए लोकप्रियता का सृजन करती है। सरकार के कार्यक्रम ही नेतृत्व को लोकप्रिय बनाते हैं। और हमारा दायित्व है कि नींव डालने का जो काम किया है इस पर एक भव्य इमारत भारतीय जनता पार्टी की बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के विकास की जो नींव डालने का काम 5 साल में हुआ है, आगे के 5 साल उत्तर प्रदेश के खोए हुए गौरव को वापस दिलाने का है और उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 राज्य बनाने के लिए। यहीं से शुरू होती है बदलाव की यात्रा, यहीं से शुरू होती है विकास की यात्रा, यहीं से होती है सुरक्षा के दृढ़ीकरण के नई यात्रा और यहीं से होती है नींव पर समृद्धि की बुलंद इमारत बनाने की यात्रा। यहीं से शुरू होती है गरीब और युवाओं के और छोटी बच्चियों के आशाओं, आकांक्षाओं और सपनों की यात्रा और उसको पूरा करने का काम मेरे सामने बैठे हुए सभी लोगों ने, सभी विधायकों ने करना है, योगी जी के नेतृत्व में करना है। और हम सब आज विजय के आनंद के साथ साथ
ये संकल्प भी लेकर जाएं कि जो कानून और व्यवस्था को दृढ़ता प्रदान करने का काम 5 साल तक हुआ है उसमें हम विक्षेप न बनाएं, इसको और सुदृढ़ बनाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के गांव गांव तक प्रधानमंत्री आयुष्मान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पहुंचाई है, पूरे उत्तर प्रदेश के 5-6 कोने को जोड़ने वाले राजमार्ग बने हैं, एक्सप्रेसवे बने हैं, गरीब कल्याण के हर क्षेत्र में अतुलनीय सिद्धि प्राप्त की है। घर देना हो, बिजली देना हो, शौचालय पहुंचाना हो, गैस देना हो, स्वास्थ्य का कार्ड देना हो, मुफ्त में अनाज पहुंचाना हो, या देश में सबसे ज्यादा कोरोना का टीका लगाना हो, हर योजना को हमने गरीबों तक पहुंचाया। ये यात्रा भी हमारी चालू रहनी चाहिए। यहां पर अच्छे राजनीतिक माहौल और कानून और व्यवस्था की परिस्थिति के कारण इन्वेस्टमेंट आने की शुरुआत, यही इन्वेस्टमेंट से राजस्व आएगा और यही राजस्व से फिर से योजनाएं बनकर गरीब को आगे बढ़ाने का काम करेगी। इन्वेस्टमेंट के माहौल को, निवेश के माहौल को और मजबूत बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और एक एक विधायक ने करना है। मित्रों, मुझे ठीक याद है 2017 में देश की 9वें नंबर की अर्थव्यवस्था था उत्तर प्रदेश, एक 5 ही साल में उसको 2रे नंबर पर योगी सरकार ने लाया और हम सब ने सरकार आने वाले दिनों में जिन जिन को जिम्मेदारी मिले उसने संकल्प करना है कि 1 नंबर की अर्थव्यवस्था देश की उत्तर प्रदेश जल्द से जल्द। मित्रों, हम सब सौभाग्यशाली है कि मोदी जी जैसा एक व्यापक दृष्टिकोण रखने वाला नेतृत्व हमें मिला, मोदी जी जैसा एक दूरदर्शी नेतृत्व मिला, एक परिश्रमी नेतृत्व मिला है, एक गरीबों के प्रति संवेदना रखने वाला नेतृत्व मिला है। देश की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए हर निश प्रयास करने वाला एक नेतृत्व मिला है और भारतीय जनता पार्टी को हर बूथ तक पहुंचाने की प्रेरणा देने वाला नेतृत्व भी श्री नरेंद्र मोदी। और यहां पर योगी जी ने मोदी जी के हर कार्यक्रम को जमीन पर सफलतापूर्वक परिश्रम के साथ उतारा है। 5 साल में कोई एक सरकार इतना बड़ा परिवर्तन कर सकती है, मुझे लगता है इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ और उसके डॉक्यूमेंटेशन को लोगों ने नहीं पढ़ा तो कोई मान ही नहीं सकता। इतना हर क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे खेल का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे 24 घंटा बिजली पहुंचाने की बात। मित्रों, 40 मेडिकल कॉलेज का जब हम लिखते थे वहां पर घोषणा पत्र में, तब श्री भूपेंद्र यादव मेरे साथ था कि 40 ही लिख दू क्या, ऐसा पूछा था। आज मुझे आनंद है 40 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम सुना। ये परिवर्तन जो उत्तर प्रदेश के अंदर आया है, ये भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को सुचारू रूप से योगी जी ने नीचे तक पहुंचाया, इसके कारण आया। नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाओं का रेखांकन किया राष्ट्रीय स्तर पर, उसको जमीन तक, गरीब की झोंपड़ी तक पहुंचाने का एक भव्य पुरुषार्थ हुआ है, पारदर्शी पुरुषार्थ हुआ, इसके कारण ये परिणाम मिला है। और आज आप सभी लोग चुनाव जीतकर यहां आए हैं और फिर से एक बार उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के सदस्य भी बने हैं। आने वाले 5 साल न सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, उत्तर प्रदेश के विकास के बगैर देश का विकास क्षेत्र की दृष्टि और जनसंख्या की दृष्टि से संभव ही नहीं है।
उत्तर प्रदेश का विकास एक प्रकार से देश के विकास के साथ जुड़ा है। प्रदेश में फिर से आप लोगों ने आज श्री योगी आदित्यनाथ जी को अपना नेता चुनकर कल उनका शपथ ग्रहण समारोह है और एक और 5 साल उत्तर प्रदेश की सभा जनता का सेवा करने का मौका हम सभी को ईश्वर ने भी दिया है, जनता ने भी दिया है और मोदी जी का नेतृत्व तो है ही है। ये दोनों के सुभग समन्वय का उपयोग कर हम उत्तर प्रदेश को विकास की दृष्टि से हर ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करें। परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण, ये लोकतंत्र के इन 3 नासुरों को उत्तर प्रदेश के अंदर समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने किया है। ये यात्रा को भी हम चाहते हैं 2014, 2017, 2019 और 2022 ये चारों चुनावों ने सिद्ध किया है उत्तर प्रदेश की जनता अब परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण में नहीं मानती है, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में मानती है और ये पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस इसकी जो यात्रा शुरू हुई है ये हम जारी रखें। मैं चुनाव के अभियान में जब से चुनाव अभियान शुरू हुआ तब से लगा था सदस्यता अभियान से, जब चुनाव का प्रचार बंद हुआ काशी क्षेत्र में तब तक लगा रहा। मैंने देखा है उत्तर प्रदेश के अगिनत कार्यकर्ता दिन रात अपने कुर्ते का कलर भी बदल जाए इतनी मिट्टी खाते हुए जन जन का संपर्क करने का काम, चाहे 31 दिसंबर हो, चाहे कोई त्योहार हो, कोई ऑकवर्ड समय पर भी मीटिंगें बुलाई गई मगर किसी ने कोई मान नहीं बोला, हंसते हंसते सभी लोग आए, सबने काम किया और देश भर से भी कोई बड़े बड़े नेता, गुजरात के मंत्रियों को मैंने देखा है, मध्य प्रदेश के मंत्रियों को देखा है, केंद्रीय मंत्रियों को देखा है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा वहां जाकर एक बूथ वीक है वहां जाकर बैठ जाए, तो बूथ का काम करते हुए मैंने राज्य सरकार के मंत्रियों को उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और मैं मानता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की पूंजी है, हमारी कार्य संस्कृति हमारी पूंजी है, उसको आगे बढ़ाना। चुनाव का नेतृत्व संगठन ने जिन लोगों को सौंपा है उनकी कार्य योजना को नीचे पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और विनम्रता के साथ देश भर के कार्यकर्ताओं ने यहां पर परिश्रम किया है, उत्तर प्रदेश के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता ने दिन रात एकत्रित कर जनसंपर्क का काम किया है। पहले 2 चरण में तो कोरोना का डर भी था, फिर भी कार्यकर्ता कभी मास्क लगा नहीं लगा, कोरोना होगा नहीं होगा, हुआ तो भी टेस्ट नहीं कराना है, चुनाव बाकी है, ये मोड और ये मिशन के साथ कार्यकर्ता लगा। मैं मानता हूं कि कार्यकर्ताओं का परिश्रम आज रंग लाया है, कार्यकर्ताओं के परिश्रम ने ये परिणाम दिया है और ये परिणाम के लिए देश भर के और विशेषकर उत्तर प्रदेश के लक्षावधि कार्यकर्ता प्रणाम के अधिकारी है, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार पूरे चुनाव अभियान में सबसे ज्यादा परिश्रम करने वाला कोई कार्यकर्ता का नाम देना है तो पूरा देश बेझिझक श्री नरेंद्र मोदी का नाम देगा, इतना परिश्रम मोदी जी ने पूरे चुनाव में किया। प्रधानमंत्री रहते हुए भी कभी भी कि कोई सभा बढ़ा दी, कोई सभा अकड़ समय पे रख दी, कभी ना नहीं बोले, एक डिसिप्लिन कार्यकर्ता के नाते, एक डिसिप्लिन नेतृत्व के नाते उन्होंने प्रचार अभियान को गति देने का काम किया है। मित्रों, अंत में भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति को हम आगे बढ़ाएं और उत्तर प्रदेश में एक मजबूत नींव डालने का काम जो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, इन नींव पर एक भव्य इमारत बनाए और उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 सूबा बनाने के लिए हम सब लोग मनोयोग से जुड़ जाए, यही आप सभी से अपेक्षा है। फिर से एक बार आप सभी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देकर और योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि अगले 5 साल उत्तर प्रदेश के इतिहास में आपके नेतृत्व में सुवर्ण अक्षरों से अंकित हो, इस प्रकार का उत्तर प्रदेश का विकास हो, यही शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।